ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 21 अक्टूबर 2022। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने बहुत ऊंचा सर्वश्रेष्ठ स्वमान स्मृति में दिलाया। बाबा कहे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर हैं। वह बहिष्ट की सौगात तुम बच्चों के लिए लेके आए हैं, इसलिए बच्चों अपार खुशी में रहो। बाबा दूर देश से आते हैं तो खाली हाथ थोड़े ही आएंगे। फिर कहा, बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं कि वहाँ कितना सुख है। वहाँ के देवताओं के अंग अंग में सुगंध है, अर्थात रूहानियत और दिव्यता भरी हुई है। और यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी हैं। इसलिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि बाबा आते हैं, कीड़ों को उठाकर भ्रमरे बनाते हैं, अर्थात ज्ञान की भू भू कर उड़ने लायक बनाते हैं। फिर कहा कि बाबा आकर बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, यही उनकी ब्लेसिंग है। जिस नॉलेज के आधार से बच्चे नर से नारायण बन जाते हैं, मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। और आज बाबा ने बंधेली आत्माओं का गोपिकाओं की याद का गीत सुनाया। बाबा कहे, बच्चियाँ गाती हैं, चाहती हैं, बाबा मुझे अपने गले से लगा लो, हमको गले का हार बना दो। तुम कहते भी हो, बाबा हम आपका बिछड़ना सहन नहीं कर सकते हैं। ऐसी बच्चियाँ भी हैं जो बंधन में हैं, तड़पती हैं। बस सिर्फ मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। और कहा, याद रखना सच्ची दिल पर साहेब राजी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य विस्तार से। आज मीठे बाबा कहे, मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर हैं। वह बहिष्ट की सौगात लेकर आए हैं, इसलिए अपार खुशी में रहो। आज मुरली से प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, यह उनकी ब्लेसिंग है। जिस नॉलेज के आधार से नर से नारायण बन जाते हैं, बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाबा कहते, मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता। आज बंधेलियों की याद में मुरली में बड़ा प्यारा गीत बजा है, बाबा मुझको अपने गले से लगा लो। आज धारणा के लिए सार हैं, पहला, सच्चे साहेब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है, कोई भी विघ्न नहीं डालना है। दूसरा पॉइंट है, सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है, स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है। बाबा का वरदान है, न्यारी अवस्था में स्थिर रहे हर कार्य करने वाले सर्व के वा परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। न्यारी अवस्था में स्थित रहे हर कार्य करने वाले सर्व के वा परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। बाबा कहे, जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है, न्यारापन ही प्यारा बनाता है। जितना अपनी देह के भान से न्यारा होते जाएंगे उतना प्यारा बनेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए, ऐसी न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। आज का स्लोगन है, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। दादा कहो वा गुप्त माँ कहो, वंडरफुल राज हैं। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते हैं? जानते हो, बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा मुआफिक सर्विस करते होंगे। बाबा कहते हैं, जानते हो, बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा मुआफिक सर्विस करते हो। जो जैसी मदद करते हैं वह भी तो प्रजा में आएंगे ना, उनमें भी नंबरवार साहूकार प्रजा भी होती है ना। अच्छा, गुड मॉर्निंग,
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।